आज के हम क्लास में बात कर रहे हैं चार्ट्स के ऊपर, चार्ट्स, ग्राफ, कुछ भी कह सकते हैं। हम लोग बचपन में जब पढ़ते थे उसको ग्राफ्स कहते थे, एक्सेल में उसको हम लोग चार्ट्स कहते हैं, डेटा एनालिटिक्स में उसको विजुलाइजेशन कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से इसको जाना जाता है, बहुत पुराना सिस्टम। तो जो चार्ट्स इंसर्ट मेनू बार के अंदर में इतने सारे चार्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स हैं, आखिर उनका क्या इस्तेमाल है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ट्स लगाने की मोटिव्स को, कि चार्ट लगाने की मोटिव्स क्या है, मतलब क्या उसका जरूरत की है, चार्ट क्यों लगाते हैं। देखिए, चार्ट चाहे जिस तरह का लगाइए, जिस डिजाइन में लगाइए, कितना भी कलाकारी कर दीजिए, चार्ट का यूज होता है कंपेयरिंग करने के लिए, डेटा को कंपेयर करने के लिए, कि किस तरह से आप डेटा को कंपेयर करेंगे। जैसे आपके सामने एक मंथली सेल्स रिपोर्ट डली हुई है, अभी सेल्स रिपोर्ट को देख के आप इजीली बता सकते हैं कि किस महीने में सबसे ज्यादा सेल है और किस महीने में सबसे कम सेल है, ठीक है प्रवीण जी। लेकिन यही डेटा लाखों में, करोड़ों में हो जाएगा तो आपको बताना मुश्किल होगा कि कौन सा मंथ हाईएस्ट है, कौन सा लोएस्ट है। चलो, आपके पास गणित की अच्छी खासी नॉलेज है, आप बता भी दे, लेकिन जरूरी नहीं है कि रिपोर्ट जिसको भेज रहे हैं वो भी इसको समझ सके। तो यहाँ पे हम चार्ट इस्तेमाल करते हैं जो कि हमें ईजली कंपेयर करके दे देता है कि कौन सबसे ज़्यादा, कौन सबसे कम है, चाहे अमाउंट कितना भी बड़ा, कितना भी बड़ा क्यों ना हो। तो चार्ट चाहे आप लाइन चार्ट यूज करें, चाहे कॉलम यूज करें, उसका इस्तेमाल होता है कंपेयरिंग करने के लिए।